हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। तो आज 8 तारीख की मॉर्निंग और आज हम सुबह उठ चुके हैं। तो उठने के बाद में पीछे आप देख रहे होंगे कितनी बारिश हो रही है। तो रात से ना भयंकर बारिश हो रही है और बारिश रुकी ही नहीं, मतलब रुकी ही नहीं बारिश। तो अब देख लो, इतनी बारिश में ही हमने घूमना पड़ेगा। अब क्या घूमेंगे क्या नहीं घूमे, 6 बजे निकलने का प्लान था बट 8 बज गए। अभी तक चाय वाय पी है, गर्म पानी वगैरह पिया है और 8 बज चुके हैं और अभी भी हम नहीं निकले हैं। अभी नहाया नहीं, कुछ भी नहीं किया। तो अब 9 बजे तक हम निकलेंगे। खज्जर हम कितने बजे पहुंचते हैं वो मालूम नहीं, आपको बताना चाहता हूं। मैं आया हूं डलहौजी। तो अभी मैं बनीखेत में रुका हुआ था, मैंने यहाँ होटल ले रखी थी गोया बीबो से, तो वहीं मैं रुका हुआ था और यहीं मैं स्टे कर रहा था। और उसके बाद में अब हम खज्जर के लिए निकल रहे हैं। हमारी गाड़ी है बाहर, हमने जो आपने बताया कि हमने कैब कर ली थी वहाँ से। तो देखो बारिश कितनी हो रही है, मौसम का वेदर मतलब ज़्यादा साफ तो नहीं है बट है, बढ़िया मौसम है। तो अभी हम निकलते हैं, देखते हैं, आगे बताते हैं आपको कि कितनी बर्फ़ है यहाँ पे, कितनी ठंड है। बाकी अभी टेम्परेचर हो रहा है 6 डिग्री के अप्रोक्स, ये बताया बस। बहुत ठंड लगी, 3 दिन कंबल ओढ़ के सोना पड़ा गया। तो चलिए चलते हैं। हेलो हेलो गाइस, तो मैं हूँ गोलू, सॉरी उर्फ गोलू, शैलेंद्र उर्फ गोलू। हाँ, समझ गए ना आप। नाम मेरा शैलेंद्र है, मुझे प्यार से सब गोलू बोलते हैं। ये पागल इंसान है। देखो हम सुबह सुबह रेडी हो चुके हैं और अब देखो रेडी होने के बाद भी 9, 9:30 बज चुके होंगे ना। नहीं, वॉच कहाँ है मेरी, पता नहीं कहाँ है। और बारिश देखो आप, अरे बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा हो रहा है, बहुत बढ़िया हो रहा है। हम घूम नहीं पा रहे, दिखाऊं आपको एक बार? दिखाओ दिखाओ दिखाओ। अब ये मजे ले रहा है, ये मैं गीला हो गया इतनी चीज़, गीला हो गया, लो हो गई बात है ना। तो अब हम जा रहे हैं, वो हमारे अंकल भी गाड़ी वाड़ी को करिया है स्टार्ट और बढ़िया सब शानदार काम हो गया है। और जाने का कोई मन नहीं कर रहा, नहीं बाहर जाएंगे, गाड़ी में गर्म हो जाएंगे। यहाँ पे हमारे हाथ जो है बहुत बहुत ऐसे हो गए, ब्लड का सर्कुलेशन चल रहा है, तो ऐसा हो रहा है सिस्टम। तो अभी हम चलते हैं, चलो। टाइम लगेगा इसके तो ना भाजी, बहुत टाइम। यहाँ पे हो गया रोड बंद, क्लोज्ड क्लोज्ड क्लोज्ड। ये तो आज उठ के तो जाएगा, पर ये सारी गाड़ियां इधर ही खड़ी हैं, हम भी खड़े हैं, कुछ नहीं हो सकता। पता नहीं कितना टाइम लगेगा ओपन होने में। Thank you.
गाइस तो हम खजर पहुंच चुके हैं और यहाँ पे इतनी बारिश है कि मतलब बारिश धीरे धीरे हो रही है, बहुत तेज़ बारिश थी और फाइनली डेस्टिनेशन पे आ चुके हैं। ये देखो फाइनल डेस्टिनेशन है ये और ये देखो ये खेलना वेलना सब चालू कर दिया, पर हमें अभी गाड़ी वाड़ी पार्किंग पे लगा दी है। पीछे ये मिनी स्विट्जरलैंड है, इसका तो कुछ पता ही नहीं चल रहा कि क्या है या क्या नहीं है। खाने वाने की दुकानें वकानें बंद पड़ी है, भाई बोल रहे हैं धुंध पड़ गई। हाँ भाई गोलू कैसा लगा, मजा आ गया? और स्नोफॉल हुई नहीं हुई? नहीं हुई अभी तक, तो मैं वेट कर रहा हूँ। ये वेट कर रहा है स्नोफॉल का, अभी स्नोफॉल हुई नहीं है। बाकी ये देख लो गाड़ियों पे कितनी सारी बर्फ जमी हुई है, वो गाड़ी पे जमी हुई है। एक शानदार सी इको भी दिखाता हूँ जो दिल्ली की है, इको स्पोर्ट, इस पर भी पूरी बर्फ जमी हुई है। सुबह स्नोफॉल हुई है, भैया बोल रहे थे अभी क्या सुबह स्नोफॉल हुई है। बाकी पीछे देखिए क्या जबरदस्त सीन हो रहा है। हेलो गाइस, तो हम आ चुके हैं मिनी स्विट्जरलैंड के अंदर। देखो स्विट्जरलैंड भी जाएंगे पर मिनी स्विट्जरलैंड पहले है ना, जो अपने इंडिया में ही है। देखने में जो मजा है, बारिश हो रही है, देखो गोलू क्या कह रहा है, आप सुनो। आप बारिश हो रही है, मैं वेट कर रहा था स्नोफॉल का लेकिन हो नहीं पा रही है। मैं तो काफी वेट कर रहा था, मुझे दोबारा आना पड़ेगा, दोबारा आना पड़ेगा। और ये फिर कहेगा कि मैं गुलमार्ग जाऊंगा, इसी वजह से। और बाय रोड जाएगा ना गुलमार्ग। वैसे बर्फ तो मैंने पहले भी देखी हुई है, पहले जा चुका हूँ मैं चितकुल, लेकिन मुझे देखना था स्नोफॉल, इस वजह से मैं आया हुआ था। लेकिन स्नोफॉल नहीं हुई है तो क्या करें, रोने जैसा मुंह बना। क्या कह रहा है, नहीं हो पा रही है। पीछे पीछे का व्यू आपको बताते हैं पूरा। ये पीछे पूरे ये किस चीज के पेड़ है, क्रिसमस वाले। ये पीछे कोई होटल वोटल है। स्नोफॉल हो चुकी है, हमारे गोलू का सपना पूरा हो चुका है। तो एक नीचे कमेंट करके बताना कि गोलू का सपना पूरा हो गया तो उससे क्या ट्रीट लेनी है आपको, ठीक है। और ये देखो ये हमारी गाड़ी पे पूरी बर्फ बुरफ जम गई है, और ये देखो बर्फ पड़ रही है, मतलब थोड़ी लाइट है बट इतनी ज़्यादा क्वांटिटी में नहीं पड़ रही, एक दो लीटर पड़ रही है, ज़्यादा नहीं है, हेवी स्नोफॉल नहीं है। बट ये था कि भाई उसकी विश थी तो वो पूरी हो गई, और मज़ा आया काफ़ी ट्रिप में, बहुत अच्छा लगा। अब हम जा रहे हैं डलहौजी, जो यहाँ से अप्रोक्स 50-55 किलोमीटर होगा, जो अब हमको 2-2.5 घंटे वहाँ जाने में लगेंगे। उधर जाने के बाद में फिर हम देखते हैं, वहाँ आपको बताते हैं क्या प्लान बनता है क्या नहीं बनता। बाकी अभी तो हम वहाँ जा रहे हैं, और ये देखो सब स्नो में खेल रहे हैं जो भी यहाँ टूरिस्ट वगैरह आए हुए हैं। और पूरे रास्ते पे ये जो 8-10 किलोमीटर का ये जो वे है वहाँ बहुत ज़्यादा स्नो हो रही है। ये देखो आप कांच पे देख रहे हो ना, पूरा स्नोफॉल हुआ। बाकी रील्स में एक वीडियो के बीच में भी डाल दूंगा ताकि आपको पूरा वहाँ पे, क्योंकि वहाँ पे क्या मेरा मोबाइल है ना जो स्नो में गिर गया था, तो फिर उसकी वजह से थोड़ा गीला गीला हो गया था, तो मैं कहा चलो ठीक है भाई अब साफ साफ करके फिर दिखाएंगे। ये देखो ये ऐसे टूरिस्ट बीच में ना खड़ा रहा करो, कोई गाड़ी सिलपेगी तो ये गिफ्ट में जाएंगे। ये इधर का व्यू ये है, अभी क्या हीटर वीटर चला रखा है, पाँव वाँव ठंडे कर रहे हैं क्योंकि जूतों में चला गया पानी। कभी भी आओ तो यहाँ पे थोड़ा प्लास्टिक कोटिंग वाले जो शूज आते हैं वो पहन के आओ, या फिर वो प्लास्टिक के हो बूट्स वगैरह तो वो प्रेफर ज़्यादा। तो अब देखिए कितनी क्वांटिटी में स्नो पड़ रही है, क्या मज़ा आ रहा है। फिर से हो गई है एक ट्रेजडी, हम निकले थे कज्जर से डलहौजी के लिए, फिर उसके बाद में आपको बताएं कि यहाँ आगे लैंडस्लाइड हो गई है। ये देखिए पूरा पहाड़ था एक जो गिर गया है, तो उस वजह से देखो कितना जाम लग गया है। वो बता रहे हैं कि 1.5-2 घंटा तो लगेगा, ये मिनिमम है। और अब हमको पहुँचना है डलहौजी रात होने से पहले, तो अब देखो क्या करते हैं। बाकी दो JCB आप देख रहे होंगे वहाँ पर, वो JCB लगी हुई है, तो अब मतलब कुछ ऑप्शन नहीं बचा हमारे पास में कि अब हम कहाँ जाएं, क्योंकि इसके अलावा कोई रूट भी नहीं है। 2-5-10 किलोमीटर होके होता तो हम चले जाते। तो गाइज हम डलहौजी के रास्ते में आ चुके हैं, और अब हम ऊपर नहीं जा रहे हैं क्योंकि अंकल ने हमें बोल दिया है कि भाई देखो ऊपर से गाड़ी वाड़ी रिफस जाएगी तो ऊपर जाना सेफ नहीं रहेगा। तो ये देखो कितनी अच्छी स्नोफॉल हो रही है, मतलब वहाँ खज्जर में तो इतनी हो नहीं रही थी, अब देखो कितनी अच्छी और मस्त स्नोफॉल हो रही है। पीछे देखो आप, गाड़ियों पर देखो आप कितनी मस्त हो रही है। बोलू कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा हूँ।
बहुत अच्छा है, ये बहुत अच्छा है, मजा आ रहा है। देखो मजा आ गया। डलाऊ जी जाने वाने में कोई इतना वो नहीं है, बट अब रात हो गई ना तो हम जा नहीं पा रहे यहीं। गाइस काफी अच्छी स्नोफॉल हो रही है, देखो रास्ते में हम डलाउजी के रास्ते में कितनी अच्छी स्नोफॉल हो रही है और बहुत मजा आ गया। ये मान लो आप कि हमारी ट्रिप का जो प्लानिंग की जो सबसे मेन इंपॉर्टेंट था ना कि हमको ये करना है, ये एक्टिविटी हमको करना है, वो एक्टिविटी बिल्कुल कंफर्म हो चुकी है। कितनी अच्छी स्नोफॉल हो रही है, मतलब हमने सोचा नहीं था कि इतनी अच्छी स्नोफॉल हम देख पाएंगे, बट हो रही है। देखो गाड़ी पीछे से आ रही है, कितनी ज़्यादा बर्फ जमी है। तो गाइज अभी आने का बहुत मज़ा आएगा, इन्जॉयमेंट बहुत अच्छा हुआ। और आप कभी भी आओ, डलाउजी हम नहीं जा पा रहे क्योंकि हमारी ट्रेन है। मैं आपको बता दूं, मैं रिटर्न आ रहा हूं वापस पठानकोट से, मैं आ रहा हूं वापस जयपुर के लिए। तो ठीक है, अभी हम चलते हैं और ब्लॉगिंग देखते रहिए आप, वीडियो नेक्स्ट वीडियो इससे अच्छा आएगा। हेलो गाइस, तो हम डलाउजी से और खजार होके आ चुके थे और आने के बाद में हम यहाँ पे टैक्सी से हमारी 8 बजे आ चुके थे। अब 8 बजे आने के बाद में फिर हमने ना 3-4 घंटे रेस्ट किया, उस टाइम वीडियो मैंने किया नहीं था तो उसके बारे में सॉरी आपको। बाकी 4 घंटे हो गए मुझे रेलवे स्टेशन पे, मेरी ट्रेन है पठानकोट से लिए डायरेक्ट जयपुर के लिए। मैंने क्या डायरेक्ट स्लीपर बुक कर दिया था अपना तत्काल वाला, तो उसमें कर दिया। बाकी आओ तो पठानकोट स्टेशन बहुत अच्छा है, आप यहाँ पर आपको जैसे मतलब लेडीज़ वगैरह है तो उनके लिए भी रूम मिल जाएगा और जेंट्स वगैरह तो। खाना यहाँ पर बाहर आप खाओ जाके, यहाँ पे सैनी सानी ढाबा है तो वहाँ बहुत अच्छा खाना मिलता है, 100-150 रुपये में आपको खाना वाना मिल जाएगा। और बढ़िया इन्जॉयमेंट हुआ और ट्रिप बहुत अच्छी रही वाहेगुरु की कृपा से, और बढ़िया मस्त रहा। और अब आपको दिखाते हैं हम 17 घंटे हम ट्रेन में कैसे रहते हैं, वो 17 घंटे तक हम ट्रेन में कैसे रहेंगे। ये देखो पीछे देख रहे हो गए, हमारी ट्रेन आ चुकी है, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये है रेलवे स्टेशन पठानकोट का, ये ट्रेन आ चुकी है। तो अभी हो रहे हैं 12 बज चुके हैं और ट्रेन आने वाली है, और अब हम 17 घंटे तक इसी ट्रेन में रहेंगे और 17 घंटे तक हम नॉन स्टॉप एक ही जगह रहेंगे। बट हमारा स्लीपर बुक है, गोलू पता नहीं किधर इधर उधर गया हुआ है, वो घूम रहा है थोड़ा, तो इस वजह। चलो ठीक है, लाइक से सब्सक्राइब कर देना, ब्लॉग अच्छा लगा हो तो कमेंट करके ज़रूर बताना, है ना। ठीक है, बाय।